हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्म के बारे में पढ़ा था, तो अब हम लोग आज पढ़ा जाएगा फैक्टर्स डिटरमाइनिंग टाइप एंड साइज ऑफ फॉर्म। मतलब कौन कौन से फैक्टर या कारक हैं जो डिटरमाइन करते हैं, निश्चय करते हैं टाइप, प्रकार और उसके फॉर्म के साइज को। मतलब कौन कौन से कारक हैं जो फॉर्म के प्रकार और उसके साइज को डिटरमाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रभाव कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं टाइप और साइज ऑफ फॉर्म के बारे में। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन। मतलब कि जहां पर फॉर्म हम लोग को सेचुएट करना है या फिर जहां पर फॉर्म है वहां की क्या एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहां पर कैसी क्लाइमेट है, वहां की टोपोलॉजी क्या है, वहां की सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस क्या है, उसके साथ साथ कौन सी क्रॉप को हम लोग वहां पर कल्टीवेट सक्सेसफुली कर सकते हैं, ये बातें निर्भर करती हैं। तो ये एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट वन स्टैंड जो मेन पॉइंट प्रभावित करता है वो है मार्केट डिमांड। मतलब कौन कौन सी पॉइंट है जो मार्केट से संबंधित और वो कारक हैं जो डिटरमाइन करते हैं फॉर्म के साइज और टाइप को। तो मार्केट में जो है वो क्या है, मार्केट की चॉइस, मार्केट का जो अप डाउन हो रहा है ये उस पर बहुत ज्यादा करता है। उसके साथ साथ क्रॉप सिलेक्शन और स्पेशलाइजेशन को भी वह निश्चय करता है, क्योंकि जैसा मार्केट की डिमांड होगी उसी हिसाब का फार्मर चॉइस करेगा क्रॉप लगाने का या फिर तो चाहे लाइफ स्टॉक पालने का। नेक्स्ट वन एसेस टू रिसोर्स, मतलब किस प्रकार का हम लोग को पास रिसोर्स अवेलेबल है, जैसा कि कितना लैंड अवेलेबल है, कितना वाटर है, कितने लेबर है या फिर तो कितना कैपिटल लगेगा। तो ये चारों चीजें बहुत ज्यादा वाइटल रोल निभाती हैं साइज और टाइप ऑफ फॉर्म को डिटरमाइन करने में। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज, मतलब कि कौन कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, कौन कौन से सरकार की नियम हैं जो यहाँ पर निश्चय करती हैं, जैसे एग्रीकल्चरल पॉलिसीज या सब्सिडीज, उसके साथ साथ सपोर्ट प्रोग्राम जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं चॉइस ऑफ क्रॉप या लाइव स्टॉक को, जो कि फॉर्म साइज को भी निश्चित करते हैं। नेक्स्ट वन स्टैंड्स फार्मर एक्सपर्टाइज एंड इंटरेस्ट, मतलब फार्मर किस चीज में एक्सपर्ट है या फिर तो फार्मर का इंटरेस्ट क्या है। तो जो फार्मर की स्किल है, नॉलेज है, उसकी प्रेफरेंस क्या है, ये भी एक मेन लीड करती है एडॉप्शन ऑफ स्पेसिफिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस। उसके साथ साथ फोकस ऑन सर्टेन टाइप ऑफ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक, मतलब किस प्रकार का क्रॉप या लाइव स्टॉक उसे चाहिए। एंड द स्टूडेंट्स लास्ट वन इज इकोनॉमिक वियाबिलिटी, मतलब कि कौन कौन सी इकोनॉमिक वियाबिलिटी है, द प्रॉफिटेबिलिटी एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ सर्टेन क्रॉप, जिससे कि उसके पास कितना इकोनॉमिक्स है, कितना उसके पास धन है जो कि क्या कर सकता है, किसी निश्चित क्रॉप को लगा सकता है या फिर तो लाइव स्टॉक को, जिससे कि फार्मर डिसीजन ले सके अपने फार्म के साइज और टाइप के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस टॉपिक में हम लोग बस इतना ही देखेंगे, फैक्टर डिटरमाइनिंग साइज एंड टाइप ऑफ फार्म। तो इसमें 6 फैक्टर थे, कौन कौन से, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, मार्केट डिमांड, एसेस टू रिसोर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, फार्मर एक्सपर्टाइज एंड इंटरेस्ट, उसके साथ साथ इकोनॉमिक वियाबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में प्रिंसिपल ऑफ फार्म मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जरूर जुड़े रहिए और नेक्स्ट टॉपिक्स को, उसके साथ साथ जो टॉपिक्स आपको ना समझ में आए या फिर किसी टॉपिक्स में प्रॉब्लम्स हो, दिक्कत समझने में, तो आप कमेंट में जरूर बताएं, हम उस पर भी अच्छे से समझाकर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।